नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है युष मसीह स्वागत करता हूँ आपके अपने दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है अ, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से जुड़े एम या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दोस्तों दोस्तों आ, ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है तो प्लीज अंत तक बने रहिए हम आज जो कवर करेंगे वो सौ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज कवर करेंगे वन बाय वन तो दोस्तों आ, बिना किसी देरी के दोस्तों शुरू करते हैं पहला जो क्वेश्चन है वो है an old woman was hit by motorcycle while crossing road as a nurse the first intervention that she will do is तो उसमें पूछा जा रहा है कि अगर एक महिला मोटरसाइकिल से हिट होती है रोड पे अगर वहां पे कोई नर्स है तो उसका पहला इंटरवेंशन क्या होगा मतलब पहली चीज वो क्या करेगी तो दोस्तों ऑप्शन है इमोबिलाइज द लेग बी कॉल फॉर हेल्प सी रिड्यूस द फ्रैक्चर मैन्युअली एंड डी मूव द पर्सन टू अ सेफर प्लेस तो दोस्तों इसका आंसर है डी मूव द पर्सन टू सेफर प्लेस ठीक है ये उसका फर्स्ट इंटरवें ये उसका फर्स्ट इंटरवेंशन रहेगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे दोस्तों साइन टू नोटिस बाय आ रजिस्टर नर्स फॉर हिप फ्रैक्चर ऑप्शन ए लेंथ एंड अबेड एंड इंटरनली रोटेटेड बी शॉर्ट एंड अबेड एंड एक्सटर्नली रोटेटेड सी शॉर्ट एंड अबेड एंड इंटरनली रोटेटेड एंड शॉर्ट एंड अपडक्टेड एंड एक्सटर्नली रोटेटेड तो दोस्तों इसमें जो आंसर है वो है डी शॉर्ट एंड एंड एक्सटर्नली रोटेटेड क्योंकि इसमें पूछा गया है कि uh, कौन सा ऐसा साइन है हिप फ्रैक्चर में जो नोट किया जा सकता है तो इसमें जो ऑप्शन डी शॉर्ट एंड अपडक्टेड एंड एक्सटर्नली रोटेटेड ठीक है दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो की है ऑल ऑफ द फॉलोइंग मसल्स आर पार्ट ऑफ रोटेटर कफ एक्सेप्ट दोस्तों से पूछा गया सारे मसल्स पार्ट है रोटेटर के रोटेटर कफ के एक को छोड़ के ऑप्शन ए डेल्टॉइड बी सुपर सी इंफ्रास्पेनाटस एंड डी टेरस मैनॉर दोस्तों ऑप्शन ए डेल्टॉइड जो है मसल्स का पार्ट है रोटेटर कफ में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे ऑल ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ सिलियक ट्रंक एक्सेप्ट दोस्तों इसमें पूछा गया है नीचे गए ऑप्शन में आ, सारी ब्रांचेज है सिलियक ट्रंक की एक को छोड़ के तो ऑप्शन ए लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्ट्री बी कॉमन हेपेटिक आर्ट्री एंड सी स्प्लेनिक राइट आंसर दोस्तों ट्रंक की ब्रांच नहीं है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सीन इन द ग्रेटर विंग ऑफ स्पिनॉड एक्सेप्ट दोस्तों इसमें पूछा गया है कि सारे जो ऑप्शन जो दिए गए हैं वो ग्रेटर विंग में देखे गए हैं एक को छोड़ के जैसे कि ऑप्शन ए फोरामेन ओवेल बी फोरामेन स्पेनोसम एंड सी फोरामेन रोटेंडम एंड डी ऑप्टिकल कैनाल तो ऑप्शन डी ऑप्टिकल कैनाल दोस्तों ग्रेटर विंग में नहीं देखा जाता नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों स्ट्रक्चर कंपोस्ट ऑफ टू और मोर टिश्यूज इज टर्म दोस्तों अगर आ, एक से एक और एक से अधिक टिश्यू अगर एक साथ मिल जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम तो इसमें ऑप्शन है ए ऑर्गन बी सिरोस मेम्ब्रेन सी कॉम्प्लेक्स टिश्यू डी ऑर्गन सिस्टम ऑप्शन ए ऑर्गन दोस्तों जब भी कोई एक से अधिक टिश्यू आपस में मिल जाते हैं तो उसको ऑर्गन कहते हैं दोस्तों कंपोज हो जाते हैं नेक्स्ट uh, क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों द विसरल प्लूरा इसमें पूछा गया है द विसरल प्लूरा क्या है ऑप्शन ए इज द मेमोरियन लीनिंग सर्फेस ऑफ द लंग्स बी इज द द द वॉल ऑफ मेमोरियनिंग सी इज द अराउंड द लंग्स एंड डी इज द दस्ट पोर्शन ऑफ द पेरिटोनियम दोस्तों जो वर्सियल विसरल प्लूरा है वो है ऑप्शन ए इज द मेमोरियन लीनिंग सर्फेस ऑफ द लंग्स नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे द एनाटोमिकल पोजिशन इज करेक्टराइज बाई एक्सेप्ट दोस्तों इसमें पूछा गया है कि एनाटोमिकल पोजिशन है सारी एक को छोड़ के जैसे कि ए पाम्स फेसिंग पोस्टीरियर बी थम्स पॉइंटिंग लेटरली सी फेस पॉइंटिंग एंटीरियरली एंड डी बॉडी स्टैंडिंग अपराइट तो ऑप्शन ए पाम्स फेसिंग पोस्टीरियर इज द राइट आंसर इसमें से जो एनाटोमिकल पोजिशन है वो पाम फेसिंग पोस्टीरियर नहीं है दोस्तों बाकी सारे ऑप्शन जो है एनाटोमिकल पोजिशन है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज फुली एप्सिलेटरल टू द लेफ्ट इन रीजन तो ऑप्शन है ए एपिस गैस्ट्रिक रीजन बी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया रीजन एंड सी राइट इंगुएनल रीजन एंड डी हाइपोगेस्ट्रिक रीजन तो ऑप्शन बी लेफ्ट हाइड्रोकॉन्ड्रियाक्ट रीजन जो है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज दोस्तों इसमें पूछा गया है जो बेसिक यूनिट है हमारा जो मतलब आधार है लाइफ का वो कौन सा है ए द एटॉम बी वाटर एंड सी द सेल एंड बी वाटर एंड डी द केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो दोस्तों ऑप्शन सी द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ ठीक है दोस्तों हमारा जो सेल्स है वो हमारी लाइफ में बेसिक यूनिट है ठीक है दोस्तों uh, Now, चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे जो कि है होम्योस्टेटिक इम्बैलेंस होम्योस्टेटिक इम्बैलेंस से पूछा है क्या होते हैं ए मस्ट बी रिस्टोर्ड बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बी इज कंसिडर्ड द कॉज ऑफ डिसीज सी इज व्हेन द इंटरनल कंडीशन ऑफ द बॉडी बिकम्स मोर स्टेबल एंड डी ओनली अकर वेन पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म आर ओवर ऑप्शन बी जो है दोस्तों इस कंसिडर्ड द कॉज ऑफ मोस्ट डिसीजेस जो दोस्तों होम्योस्टेटिक इम्बेलेंस होता है वो ज्यादातर कॉज होता है डिसीजेस के लिए दोस्तों ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ लाइफ दोस्तों इन दिए गए ऑप्शन में से फीचर ऑफ लाइफ कौन सा ऑप्शन नहीं है ठीक है ए ग्रोथ बी रेस्पॉन्सिवनेस सी रिप्रोडक्शन एंड डी ऑर्गन सिस्टम्स दोस्तों ऑप्शन डी ऑर्गन सिस्टम इज द राइट आंसर ये लाइफ का फीचर नहीं है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों द सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी इज टर्म्स दोस्तों जितने भी हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन होते हैं उसके लिए एक टर्म है उसको क्या कहते हैं इसमें ऑप्शन है ए होमोस्टैसिस बी फिजियोलॉजी सी डायनेमिक फीडबैक एंड डी मेटाबॉलिज्म तो दोस्तों ऑप्शन डी मेटाबॉलिज्म जो है वो टर्म मेटाबॉलिज्म टर्म है ऑल केमिकल रिएक्शन जो भी हमारे बॉडी में होते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों वर्टिकल प्लेन थ्रू द बॉडी डिवाइडिंग इन डिवाइडिंग इट इंटू राइट एंड लेफ्ट इस टर्म दोस्तों अगर हमारी बॉडी वर्टिकल प्लेन में है और हमारी बॉडी को डिवाइड uh, करेंगे राइट right से लेके लेफ्ट तक तो वो क्या टर्म होगा ठीक है दोस्तों uh, ऑप्शन ए सजाइटल बी लेटरल, सी ट्रांसवर्स एंड डी फ्रंटल तो ऑप्शन ए सजाइटल वर्टिकल प्लेन बॉडी को हम डिवाइड करेंगे राइट right से लेके लेफ्ट तक तो उसको हम सजाइटल बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ एप्लाइड फिजियोलॉजी दोस्तों इसमें पूछा गया है कि नीचे दिए ऑप्शन में कौन सा एग्जांपल है अप्लाइड फिजियोलॉजी के लिए option a, measuring the length of the femur on a fetus using ultrasound. b, locating an injury to a tendon into the shoulder using ct imaging. c, describe the process of how a toxin interferes with nerve impulse conduction. d, identifying the types of cells found in biopsy sample of lung tissue. option c is the right answer, those two. describing the process of a हाउ ऑफ हाउ आर टॉक्सिन इंटरफेयर विद नर्व इम्पल्स कंडक्शन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे द एल्बो इज टू द राइस ऑप्शन ए डिस्टल बी लेटरल सी वेंट्रल एंड डी प्रोक्सिमल तो दोस्तों प्रोक्सिमल इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे द हार्ट इज डैश टू द लंग्स ऑप्शन ए सुपीरियर बी डॉसल मीडियल एंड डी लेट्रल तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर द हार्ट इज मीडियल टू द लंग्स इसका मतलब है जो हार्ट है जो दोनों लंग्स के बीच में पाया जाता है ठीक है द हार्ट इज मीडियल टू द लंग्स वॉट इज द फंक्शन ऑफ सीरोस मेम्ब्रेन दोस्तों पूछा है सिरोस मेमब्रेन का क्या फंक्शन है ए टू प्रिवेंट फ्लूड लॉस प्रोमेन ऑर्गन बी टू रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स C to circulate blood around the organ uh, around the organ and D to converse heat within the organ तो so, option B to reduce friction between internal organs तो so, दोस्तों सिरोस membrane जो है हमारे organ uh, में friction होने में uh, कम करता है जो हमारे organs अगर पास पास organ होते हैं उसके friction करने में उसको reduce uh, करता है कम करता है सिरोस membrane का ये function होता है दोस्तों next question चलेंगे हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ दोस्तों इसमें पूछा गया हिस्टोलॉजी किसकी स्टडी है ए सेल्स एंड मेमोर की बी स्किन की सी ऑर्गेन्स एंड ऑर्गेन सिस्टम्स की या डी टिश्यूज़ की तो ऑप्शन इसमें डी है टिश्यूज़ की स्टडी होती है हिस्टोलॉजी ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व द इंजेक्शन ऑफ रेडियोस्टोप्स इन टू द बॉडी दोस्तों इसमें से कौन सा इंजेक्शन दोस्तों नीचे दिए गए ऑप्शंस में रेडियो स्टॉप इंजेक्शन किस में यूज होता है ए रेडियोग्राफी करते वक्त बी पीटी यानी पैट स्कैन करते वक्त सी सिटी इमेजिंग करते वक्त एंड डी एमआरआई करते वक्त पेट स्कैन यानी कि पीटी जिसे बोलते हैं और इसकी फुल फॉर्म है मैं आपको बता दूं पीटी का जो मतलब होता है दोस्तों फुल फॉर्म होता है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी जिसे हम पैट स्कैन के नाम से भी जानते हैं पैट स्कैन करते वक्त दोस्तों इंजेक्शन रेडियोस्टोप्स का यूज किया जाता है बॉडी में ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस और रिएक्शन दैट अकर विद इन द बॉडी आर कलेक्टिवली नोन एज दोस्तों अगर बॉडी में फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होते हैं और रिएक्शन होते हैं हमारी बॉडी में तो उसको क्या बोलते हैं ए मेटाबॉलिज्म बी फिजियोलॉजी सी

डी इज द राइट आंसर ऑर्गेन सेल टिश्यू ऑर्गे सिस्टम जो है वो बेस्ट लिस्ट इलिस्ट्रेटर है इंक्रीजिंग लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्स दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों द जेनेटिक मटीरियल डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इज कंटेन इन दोस्तों जो डी एन ए है वो किसमें पाया जाता है ए न्यूक्लियस में बी न्यूक्लाई में सी क्रोमेटिन में एंड डी क्रोमोजोम दोस्तों इसका सही आंसर है न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है दोस्तों ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे द द कैविटी ऑफ बॉडी हैजू सब डिविजन सेलेक्ट ऑल डोर्सल बॉडी कैविटी ए एसिक बी क्रेनियल सी स्पैनल एंड डी अबडिनोपेलविक तो दोस्तों ऑप्शन इसमें दे रखे हैं ए ए एंड बी 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 एंड सी एंड ऑप्शन सी सी एंड डी एंड डी बी एंड डी तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है वो है बी बी एंड सी यानी कि दोस्तों क्रेनियल एंड स्पाइनल जो कैविटी है वो सब डिवीजन है दोस्तों डॉर्सल कैविटी नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द लार्ज अमाउंट इन सोल्यूशन इज विच ऑफ द फॉलोइंग दोस्तों इसमें पूछा गया है कि लार्ज अमाउंट सल्यूशन किस में पाया जाता है ए सोल्यूट्स बी सॉल्वेंट सी सोल्यूशन एंड डी इंटस्टिशियल फ्लूड दोस्तों इसमें जो सही आंसर है वो है बी सोलवेंट में दोस्तों uh, सबसे ज्यादा लार्जेस्ट अमाउंट में सब सोल्यूशन uh, पाया जाता है सोलवेंट में दोस्तों uh, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा मेमरेन इन द बॉडी अलाउ समू पास थ्रू इट वाइल एक्सक्लूडिंग अदर्स दिस टाइप ऑफ बैरियर इज टर्म एज दोस्तों इसमें पूछा गया है जो प्लाज्मा uh, मेमरेन है हमारी बॉडी के अंदर कुछ सब्सटेंसेस अलाउ करती हैं गुजरने के लिए जब कोई जब दूसरे जब दूसरे सब्सटेंसेस को वो जोड़ती है तो इस टाइप ऑफ बैरियर को उसका टर्म क्या होता है तो उसमें ऑप्शन दिए गए ए पैसिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस बोलते हैं बी सेलेक्टिव परमियाबिलिटी या सी फिल फिल्ट्रेशन एंड डी एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस तो दोस्तों ऑप्शन बी सेलेक्टिव परमियाबिलिटी इज अ राइट आंसर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम जो कि है विच पार्ट और पार्ट्स ऑफ द फेरिंग्स है डायजेस्टिव फंक्शन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि फेरिंग्स में ऐसे कौन से दो पार्ट हैं जो रेस्परेशन में भी और डायजेस्टिक फंक्शन में भी यूज होते हैं तो ऑप्शन है ए नेजो फेरिंग एंड ओरो फेरिंग्स बी और फेरिंग्स ओनली सी ओरोस एंड लेरिंगो फेरिंग्स एंड डी लेरिंगो फेयरिंग्स ओनली so, दोस्तों ऑप्शन सी ओरोग एंड लेरिजो फेरिंग्स जो है वो दोनों ही रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम में यूज होते हैं दोस्तों दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे पिटोटरी पिटूटरी ग्लान्ड्स रिलीज ऑल ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स एक्सेप्ट दोस्तों जो पिटूटरी ग्लान्स है वो सारे हार्मोन्स रिलीज करता है इस इसमें से छोड़ के एक को छोड़ के इसमें ऑप्शन दिए गए ए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बी प्रोटीन सी एड्रोनोकॉर्टिक और ट्रॉपिक एंड डी कॉटो कॉर्टिसोल तो दोस्तों ऑप्शन डी कॉर्टिसोल इज द राइट आंसर उसको छोड़ के पिटोडी ग्लॉन्ट्स इन सारे ऑप्शन को रिलीज करता है नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ असमीटर दोस्तों नीचे के ऑप्शन में से न्यूरो uh, कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं है एपिनिफेरिन बी डोपामिन सी गामा एमट्रिक एंड डी ट्रोपोपिन ऑप्शन डी ट्रोपोनिन तो दोस्तों इसमें से जो आंसर है वो है डी ट्रोपोनिन इज राइट आंसर ये नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों द बोन्स ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटी आर डिवाइडेड ब्रेकियम एंटी ब्रेकियम माइनस तो इसे दोस्तों ये पूछ रहा है ये ट्रू है या फॉल्स है दोस्तों ये एबसोल्यूटली फॉल्स है दोस्तों जो बोन है अपर एक्सट्रीमिटी की वो डिवाइडेड इंटू फोर्टीन बोन्स है ठीक है दोस्तों ये दो तीन में नहीं है होम्योस्टैट uh,

नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों विच ऑफ द टू हार्मोन प्रोमोट ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड लिपोलाइसिस दोस्तों इसमें पूछा गया है ऐसे कौन से दो हार्मोन है जो प्रमोट करते हैं ग्लूकोजेनेसिस को एंड लिपोलाइसिस को ऑप्शन ए इंसुलिन एंड ग्लूकोजन बी ग्लूकोजन एंड थायरोक्सिन सी थायरोक्सिन एंड कॉटिसोल एंड डी कोटिसोल एंड एपनीफेरिन ऑप्शन सी जो है दोस्तों थायरोक्सिन एंड कोर्टिसोल जो है दो हार्मोन प्रोमोट करते हैं ग्लूकोजेनेसिस को एंड लिपोलाइसिस को दोस्तों स्किन अकाउंट्स फॉर एक्स अप्रोक्सीमेटली वॉट परसेंटेज ऑफ परसन बॉडी वेट दोस्तों ऐसे पूछ रही है जो स्किन जो है दोस्तों वो बॉडी वेट में कितने परसेंटेज होता है तो इसमें आ, लिखा है एलेवन परसेंट बी नाइन परसेंट सी सेवन परसेंट एंड डी फिफ्टीन परसेंट तो दोस्त क्योंकि बॉडी वेट में सेवन परसेंट जो वेट होता है वो होता है स्किन का दोस्तों ठीक है नाउ नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द सोमैटिक नर्वस सिस्टम दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है डिस्क्राइब नहीं करता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम को जिसको एस एन एस बी कहते हैं ऑप्शन ए इट इनरवेट स्मूथ मसल्स बी इट फाइबर्स डू नॉट स्नैप्स आफ्टर दे लीव द सी एन एस सी इट कंट्रोल्स कॉन्शियस और वॉल्ट्री मूवमेंट डी नन ऑफ दीज तो दोस्तों ऑप्शन डीज नन ऑफ दीस जो होता है डिस्क्राइब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों द एंडोथीलियम इज लोकेटेड इन द इस पर पूछा दोस्तों एंडोथीलियम कहाँ पे लोकेटेड है यानी ए चुनी का इंटरनाम है बी चुनी का मीडियम है सी चुनी का एक्स्ट्रना में एंड डी वसावोर्सम तो दोस्तों ऑप्शन ए चुनी का इंटरनामे एंडोथीलियम पाया जाता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों टर्मिनल पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटस्टाइन इन द दोस्तों जो टर्मिनल पोर्शन है लार्ज इंटरटाइन का वो कहां पे है ए कहाम में सी एलियम में सी रेक्टम में एंड डी कोलन तो ऑप्शन तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों रेक्टम में टर्मिनल पोर्शन पाया जाता है लार्ज इंटस्टाइन का दोस्तों ग्लाइकोसिस अकर इन द डैश ऑफ सेल दोस्तों ग्लाइकोसिस कहां पे आकर होता है ए माइट्रोकॉन्ड्रिया में बी न्यूक्लियस में एंड सी साइटोप्लाज्म एंड डी डीएनए दोस्तों ऑप्शन सी साइटोप्लाज्म जो है दोस्तों इसका राइट आंसर है ग्लाइको ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स प्रिवेंट वाटर लॉस थ्रू द स्किन दोस्तों वाटर लॉस को कौन सा इस ऑप्शन में प्रिवेंट करता है स्किन में ये पूछा है ए कैरोटिन बी मेलानिन सी कैराटिन एंड डी कोलेजन तो ऑप्शन सी कैराटिन जो होता है दोस्तों वो प्रोडक्टिव uh, प्रोटीन होता है जो हमारी स्किन को टफ करता है वाटर प्रूफ करता है दोस्तों ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों द स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रे फाइव लंबर वर्टिब्रे एंड फोर एंड फाइव फ्यूज्ड साइक्रल वर्टिब्रे एंड एंड फोर एंड फोर और फाइव वर्टिब्रे एंड हाउ मैनी थोर दोस्तों कि uh, सात हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रे होती है पांच लंबर एंड चार पांच फ्यूज्ड होते हैं एंड चार पांच ही कॉकीजियल वर्टिब्रे होती हैं तो थोरेसिक वर्टिब्रे कितनी होंगी तो इसमें ऑप्शन ए पांच बी एट सी टेन एंड डी ट्वेल्व ऑप्शन डी ट्वेल्थ जो होती है दोस्तों हमारी थोड़ा सी वर्टिब्रे होती है थिक फिलाेंट्स आर कम्पोस्ट प्राइमरली ऑफ द प्रोटीन ए एक्टिन बी ट्रोपोनिन सी ट्रोपोमायोसिन एंड डी मायोसिन ऑप्शन डी मायोसिन जो है दोस्तों वो थिक फिलामेंट्स का कम्पोस्ट प्राइमरली प्रोटीन होता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनेबल टू पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों इन दिए गए ऑप्शन में से ऐसा कौन सी चीज है जो नहीं पास हो पाती है सेल मेम्ब्रेन से ए वाटर बी अल्कोहल, सी आयन्स एंड डी गैसेस तो ऑप्शन सी आयंस जो है दोस्तों वो नहीं पास हो पाता है सेल मेम्ब्रेन के नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दिस टर्म्स रेफर टू द एक्सिस्टेंस ऑफ अ स्टेबल इंटरनल एनवायरमेंट ए वेलनेस बी होमोस्टेसिस, सी फीडबैक एंड डी ऑल ऑफ द तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है होमोस्टैथिस इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ पीटर्सकन कैली सिंड्रोम दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से कौन सा फीचर जो है पीटर्सकन कैली सिंड्रोम में है ए ब्रॉनकियटास बी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सी साइनसाइटिस एंड टी साइटस इनवर्सिस ऑप्शन जो बी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है दोस्तों वो फीचर होता है पीटस पीटरसन कैलीर सिंड्रोम का दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्टेटस आर ऑल एक्सेप्ट दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से सारे ही कॉम्प्लिकेशन है स्टेटस uh, का ए सेरिब्रल एप्सिस बी लंग एपिस सी एम्बलॉडोसिस एंड सी ब्रॉनकोजेनिक कार्सिनोमा तो ऑप्शन डी जो है दोस्तों ब्रॉनको ब्रॉनकोजेनिक कार्सिम कार्सिनोमा है इसको छोड़ के सारे ही कॉम्प्लिकेशन है ब्रॉनकोस्टैटिस के नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों द टर्म रेस्पिरेशन रेफर्स टू दोस्तों जो टर्म है रेस्पिरेशन की वो क्या है ए वेंटिलेशन बी गैस एक्सचेंज विद इन लंग्स सी ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन विद सेल्स एंड डी ऑल ऑफ द अबव तो दोस्तों ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अब इज द राइट आंसर ठीक है वट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए सी टी एच दोस्तों पूछा गया है फुल फॉर्म ए सी टी एच क्या है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हारमोन बी एसीटिली एसिटिली कॉलिन एंड सी एनजीओटेसिन कन्वर्टिंग इनजाइम एंड डी एनजियोटेसिन कन्वर्टिंग हारमोन तो दोस्तों ऑप्शन ए जो है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हारमोन जो है वो ए सी टी एच होता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे द नर्स नीड्स टू केयरफुली केयरफुलस द कम्प्लेंट ऑफ पेन ऑफ द एल्डरली बिकॉज ओल्डर पीपल इसे पूछा गया दोस्तों नर्स को जो है बूढ़े व्यक्ति की कंप्लेंट पेन की क्यों ध्यानपूर्वक लेनी चाहिए ऑप्शन ए आर एक्सपेक्टेड टू एक्सपीरियंस क्रॉनिक पेन बी हैव अ डिक्रीज पेन देअर शोल्ड सी एक्सपीरियंस रिड्यूस सेंसरी परसेप्शन एंड डी हैव अल्टर मेंटल फंक्शन ऑप्शन सी एक्सपीरियंस रिड्यूसेंट क्वेश्चन में चलेंगे अनिशा रिसीव एट्रोपिन एसो फोर एज प्री मेडिकेशन थर्टी मिनट अगो एंड इज नाउ कंप्लेनिंग ऑफ ड्राई माउथ एंड हर पल्स रेट इज हायर दैन बिफोर द मेडिकेशन वॉज एडमिनिस्टर्ड द नर्स बेस्ट दोस्तों इससे पूछा गया है कि आ, अनिशा ने रिसीव किया एट्रोपिन एसो फोर ठीक है उसकी प्री मेडिकेशन आधे घंटे पहले अब वो कंप्लेन कर रही है ड्राई माउथ और पल्स रेट उसके हायर हो रहे हैं पालपटेशन हो रहा है तो मेडिकेशन के जाने के बाद तो नर्सिस क्या करेगी क्या बताएगी उसको ऑप्शन ए द पेशेंट इज हैविंग एन एलर्जिक रिएक्शन टू द ड्रग बी पेशेंट नीड्स अ हायर डोज ऑफ दिस ड्रग एंड सी दिस नॉर्मल साइड इफेक्ट ऑफ ए टी फोर

महिला हैं जो पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद उसका ब्लड वाइटल ऑपरेशन के बाद उसके वाइटल साइंस दोस्तों उसका ब्लड प्रेशर हो जाता है 80 बाई फिफ्टी एम जी और पल्स होती है 140 पर मिनट और एस्पिरेशन होता है 32 पर मिनट तो ये वाइटल साइंस है दोस्तों सस्पेक्टिक शॉक के हैं तो नर्स कौन सा इंटरवेंशन करेगी और कौन सा ऑर्डर लेगी डॉक्टर से ए पुट द क्लाइंट इन मॉडिफाई ट्रेंडल लेंडबर्ग्स पोजिशन बी एडमिनिस्टर ऑक्सीजन एट हंड्रेड परसेंट सी मॉनिटर यूनियन आउटपुट एवरी आर एंड डी एडमिनिस्टर डेमेर फिफ्टी एम जी आई एम तो दोस्तों ऑप्शन डी एडमिनिस्टर डेमरोल फिफ्टी एम जी नर्स ऑर्डर लेके उसको तुरंत देगी आई एम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गन ऑफ द लिम्पेटिक सिस्टम नीचे दिए गए ऑप्शन में सारे ही लिम्पैटिक सिस्टम के ऑर्गन हैं एक को छोड़ के ए टॉन्सिल्स बी थायमस, सी स्प्लेन एंड डी नन तो दोस्तों ऑप्शन नन इनमें से कोई से भी जो ऑर्गन्स है वो लिम्फेटिक सिस्टम के नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों गीटा रिटर्न फ्रॉम द पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट विद विदोगेसिक ट्यूब इन प्लेस फॉलोइंग गॉल ब्लड सर्जरी शी कंटिन्यूज टू कंप्लेन ऑफ नोजिया विच एक्शन वुड द नर्स टेक दोस्तों एक महिला है जो ऑपरेशन के बाद रिकवरी रूप में आई है और जिनको एन ट्यूब लगा यानी कि नेजोगेस्टिक ट्यूब लगी है और उसकी गॉल और उसकी गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई है दोस्तों तो और वो कम और वो कंटिन्यू और वो और वो जो है बार बार कंप्लेन कर रही है नोज़िया की तो नर्स क्या एक्शन लेगी ऑप्शन ए कॉल द फिजिशियन इमिडिएटली बी एडमिनिस्टर द प्रेस्क्राइब एंटीमैटिक एंड सी चेक द पेटेंसी ऑफ द नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फॉर एनी ऑब्स्ट्रक्शन एंड डी चेंज द पेशेंट पोजिशन दोस्तों ऑप्शन सी इज द राइट आंसर चेक द पेटेंसी ऑफ द नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब फॉर एनी ऑब्स्ट्रक्शन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे प्रशांत इज इन कंटिन्यूस पेन फ्रॉम कैंसर दैट हैजाइज टू द बोन पेन मेडिकेशन प्रोवाइड लिटिल रिलीफ एंड द रिफ्यूज टू मूव द नर्स शुड प्लान टू दोस्तों एक पेशेंट है जिसको कैंसर है और उसको पेन हो रहा है और जो कैंसर है वो बोन से अटैच हो गया है ठीक है उसको पेन किलर दी है थोड़ा सा उसको रिलीफ uh, हुआ है मगर वो क्या है uh, करवट बदलने के लिए वो मना कर रहा है कि मैं नहीं कर सकता हूँ तो नर्स इसमें क्या प्लान करेगी इसमें लिखा है ए री एश्योर हिम दैट नर्स विल नॉट हर्ट हिम एंड बी लेट हिम Perform his own activities of daily living and C. Handle him gently when assisting with required care and D. Complete care quickly as possible. So, those C. Handle him gently when assisting the required care. So, next question challenge. A patient returns from the recovery room at 9 a.m., alert and oriented with an IV infusing. His pulse is 82, blood pressure is 120 by 80, respiration are 20, and all are within normal range. at 10 a.m. and at 11 a.m. his vital signs are stable. At noon, however, his pulse rate is 94, blood pressure is uh, 116 by 174, and respiration are 24. What nursing action is most appropriate? दोस्तों इसने पूछा गया है कि अगर एक patient recovery room में आया है 9 बजे मतलब जगा हुआ है बात कर रहा है और उसका IV infusion चल रहा है उसका जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल है पल्स भी नॉर्मल है ठीक है और रेस्परेशन इसका ट्वेंटी है ठीक है सुबह के दस बजे से लेके ग्यारह बजे तक उसके वाइटल स्टाइन जो है उसकी पल्स नाइन्टी फोर हो गई और ब्लड प्रेशर उसका वन सिक्सटीन बाई सेवेंटी हो गया और रेस्परेशन उसका ट्वेंटी फोर हो गया तो उसमें नर्स के एक्शन लेगी ए नोटिफाई हिज फिजिशियन Uh, B. Take his vital signs again in 15 minutes. C. Take his vital signs again in 1 hour. And D. Place the patient in shock position. Dosto. Uh, to dosto. Option B. Take his vital signs again in 15 minutes. Next question Chalenga Dosto. A 50 year old construction worker is brought to the hospital unconscious after falling from terrace building when assessing the client, the nurse. वुड बी मोस्ट कंसर्ड इफ दसेसमेंट रिव्यूल दोस्तों इसमें पूछा गया है कि एक पचास साल का बुजुर्ग uh, वर्क कर रहा था कंस्ट्रक्शन पे और वो छत से गिर जाता है ठीक है और हॉस्पिटल लेके आया गया है बेहोशी की हालत में तो इसमें ऑप्शन दिए गए में कौन सा ऐसा सिम्टम uh, होगा जिसमें uh, जिसमें जो है नर्स को बहुत ही मोस्ट कंसर्न होना चाहिए और तुरंत डॉक्टर को बताना चाहिए ऑप्शन ए रिएक्टिव पीपल्स बी आर डिप्रेस चर and and दो दोस्तों ऑप्शन सी ब्लीडिंग फ्रॉम ईयर्स जो है दोस्तों ये मोस्ट कंसर्न होता है नर्सिस को बताने के लिए क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर कोई ऊपर से गिरा है और कान से खून आ जाता है तो दोस्तों हो सकता है कि उसके स्कल के फ्रैक्चर हो सके या उसके सर सर की हड्डियों में फ्रैक्चर हो सके तो ही कान से खून आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे विच ऑफ द स्टेटमेंट बाई द क्लाइंट टू द नर्स इंडिकेट आर फैक्टर ऑफ सी ए डी दोस्तों दोस्तों यह स्टेटमेंट है ऑप्शन में बता रहा हूँ ए एक्सरसाइज एवरी अदर डे बी माई मदर फाइटर डाइट बाई माइस्थीनिया ग्रेविस एंड सी माई कोलेस्ट्रॉल इज वन एटी एंड डी आई स्मोक वन से वन टू टू पैकेट ऑफ सिगरेट्स पर डे दोस्तों ऑप्शन डी जो है उसने बताया कि मैं एक से दो पैकेट सिगरेट डेली पीता हूँ तो दोस्तों ये रिस्क हो सकता है सीएडी का ठीक है कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ का दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे मिस्टर बोनी वाज ऑर्डर्ड डाइगोजीन 0.25 एमजी ओडी व्हिच इज पुअर नॉलेज रिगार्डिंग दिस ड्रग दोस्तों मिस्टर uh, बोनी जो है उन्होंने डाइगोजीन 0.5 एमजी ओडी जो है ऑर्डर की है तो इसमें से दिए गए में से कौन सा पुअर नॉलेज है ड्रग की ऑप्शन है इट हैज पॉजिटिव इनक एंड नेगेटिव इफेक्ट्स द पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफेक्ट विल डिक्रीज यूरिन आउटपुट सी टॉक्सीटिटी कैन अकर मोर इजीली इन द प्रेजेंस ऑफ हाइपर कैलिमिया लीवर एंड डनल प्रॉब्लम्स डी डू नॉट गिव द ड्रग्स इफ द एपिकल रेट इज लेस देन 60 बी पर मिनिट तो दोस्तों सही आंसर है द पॉजिटिव इन इफेक्ट विल डिक्रीज यूरिन आउटपुट ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है वल्सलवा मैनुअर कैन रिजल्ट इन ब्रेडिकैरिया ब्रेडिकार्डिया विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल नॉट स्टिमुलेट वल्स वल्सा मैनुअर तो दोस्तों ऑप्शन uh, है यूज ऑफ स्टूल सॉफ्टनर्स बी एनिमा एडमिनिस्ट्रेशन एंड सी गैगिंग वाइल्ड टूथब्रशिंग

आर्टिफिशियल कार्डिय पेसमेकर की तो दोस्तों इसमें ऑप्शन ए टेक द पल्स रेट वन सडे इन द मॉर्निंग अपॉन अवेकनिंग B, में बी मे बी अलाउड टू यूज इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस सी हैव रेगुलर फॉलो अप केयर डी मे इंगेज इन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है मे इंगेज इन कॉन्टैक्ट

मिलीग्राम ऑफ सोडियम पर डे द क्लाइंट डेमोन्स्ट्रेट एडुकेट नॉलेज इफ बिहेवियर्स आर एविडेंट सच एज नॉट सॉल्टिंग फूड एंड अवॉयस ऑफ अवॉयडेंस ऑफ विच फूड दोस्तों यहाँ पे एक पेशेंट है जो कि क्रॉनिक हार्ट फेलियर से हुआ है uh, मतलब उससे क्रॉनिक हार्ट फेलियर उसको हुआ है और उसको जो डाइट जो रिस्ट्रिक्टेड है वो टू थाउजेंड एम जी सोडियम पर डे ठीक है नहीं लेना चाहिए तो तो क्लाइंट को डेमोन्स्ट्रेट करते वक्त ठीक है एडुकेट जो एडुकेट uh, नॉलेज देंगे उसके सॉल्टिंग uh, फूड के ऊपर तो क्या करना चाहिए तो उसमें ऑप्शन है ए होल मिल्क बी कैंड सार्डिन्स सी प्लेन नट्स एंड डी एग्स जो कॉन्ड सार्स है वो रिच होता है सोडियम में ठीक है और प्रिजर्वेटिव होता है तो इसको कैन कैन कैंड को अवॉइड करना चाहिए दोस्तों अगर कोई हार्ट फेलियर का मरीज है तो ये एडवाइस करेगी इसमें नर्स दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे विच एक्शन बाय द स्टूडेंट नर्स इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन केयरिंग अ पेशेंट हु हैज डायग्नोसिस ऑफ थ्रम्बोफ्लेबाइटिस दोस्तों दोस्तों अगर एक स्टूडेंट नर्स है ठीक है और किसी पेशेंट को थ्रम्बोफ्लेबाइटिस हुआ है तो उसमें पेशेंट की अप्रोप्रिएट केयरिंग कैसे होगी तो ऑप्शन है ए अप्लाई हीटिंग पैट टू साइड बी एलिवेट द क्लाइंट लेग्स 90 डिग्रीज सी इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट अबाउट द नीड फॉर बेड रेस्ट एंड सी प्रोवाइड एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज टू बोथ लेग्स एट लीस्ट ट्वाइस एवरी शिफ्ट तो ऑप्शन आप, है सी इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट अबाउट द नीड फॉर बेड रेस्ट ठीक है दोस्तों नेक्स्ट uh, क्वेश्चन है अ पेशेंट रिसीविंग हैपेर इन सोडियम आज द नर्स हाउ द ड्रग्स वर्क विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स वुड द नर्स इंक्लूड इन द एग्जाम एक्सप्लेनेशन टू द क्लाइंट दोस्तों अगर एक पेशेंट ने हैपेर सोडियम लिया है ठीक है और नर्स से पूछता है ये कैसे काम करती है तो कौन कौन से पॉइंट नर्स इसको एक्सप्लेन करेगी ठीक है ए इट डिजॉल्व एक्सिस्टिंग थ्राम बी इट प्रिवेंट्स कन्वर्जन ऑफ फैक्टर्स दैट आर नीडिड इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट्स एंड सी इट इन एक्टिव थ्राम विन दैट फॉर्म्स एंड डिजॉल्व एक्स एग्जिस्टिंग थ्राम वी एंड डी इट इंटरफेयर्स विद विटामिन के एबसॉर्बेशन तो ऑप्शन बी इट प्रिवेंट्स कन्वर्जन ऑफ फैक्टर्स दैट आर नीडिड इन फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट्स ठीक है दोस्तों ये इसका राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हेल्थ टीचिंग बाई अ रजिस्टर्ड नर्स फॉर अ ग्रुप स्मोकर इन अ स्मोकिंग सेंसेशन क्लास विच फाइंडिंग वुड द नर्स स्टेट एज अ कॉमन सिम्टम ऑफ लंग कैंसर दोस्तों अगर एक रजिस्टर्ड नर्स जो स्मोकर्स के ग्रुप को अगर सेशन ले रही है तो क्लास ले रही है तो लंग कैंसर का ऐसा कॉमन सिम्टम क्या बताएगी इसमें डिसिप्ली ऑन एक्सर्जन बी फॉर्मी ब्लड टिंग स्पूटम सी वीजिंग एंड साउंड ऑन एक्सपिरेशन कफ और चेंज इन इनिक कफ दोस्तों ऑप्शन डी कफ और चेंज इन अक्रॉनिक कफ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम विच विच इज द मोस्ट रेलिवेंट नॉलेज अबाउट ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन टू अ क्लाइंट विथ सीओ पी डी दोस्तों इसमें पूछा गया है कि uh, एक पेशेंट है सीओपीडी का तो उसमें ऑक्सीजन uh, की नॉलेज कैसी दी जाएगी मतलब क्या अच्छी नॉलेज दी जाएगी सीओपीडी के पेशेंट को ऑप्शन ए ऑक्सीजन एट वन टू लीटर पर मिनट इज गिवन टू मेंटेन द हाइपोक्सिक स्टिमुलस फॉर ब्रीदिंग बी हाइपोक्सिया द सेंट्रल कीमोस रिसेप्टर इन द मेडुला दैट मेक द क्लाइंट ब्रीथ सी ऑक्सीजन इज एडमिनिस्टर्ड बेस्ट यूजिंग अ नॉन ब्रीदिंग मास्क डी ब्लड गैसेज आर मॉनिटर यूजिंग अ पल्स ऑक्सीमीटर तो दोस्तों ऑप्शन ए ऑक्सीजन एट वन टू टू लीटर पर मिनट इज गिविंग टू मेंटेन द हाइपोक्सिक स्टिमुलस फॉर ब्रीदिंग तो दोस्तों ये सही आंसर है उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये नॉलेज देगी दोस्तों एक से दो लीटर की ऑक्सीजन मेंटेन करना है उसको ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन सक्शनिंग म्यूकस फ्रॉम अ क्लाइंट लंग्स विच नर्सिंग एक्शन वुड बी लीस्ट अप्रोप्रिएट दोस्तों अगर कोई पेशेंट में सक्शन कर रहे हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर ठीक है दोस्तों अगर हम सक्शन कर रहे हैं म्यूकस की क्लाइंट के लंग से तो कौन सा एक्शन सही तरीके से होगा ऑप्शन ए लुब्रिकेट द कैटेटर टिप विद स्टेराइल सिलाइन बिफोर इंसर्शन बी यू स्टेराइल टेक्निक विद अ टू ग्लब्ड अप्रोच सी सक्शन अंटिल द क्लाइंट इंडिकेट टू स्टॉप और नो लॉन्गर देन ट्वेंटी सेकेंड एंड डी हाइपरऑक्सीजेनेट The client before and after suctioning. So, those two C, suction until the client indicates to stop or no longer than 20 seconds. Okay, those two. Uh, next question is The purpose of prescribing oral rifampicin and isoniazid for a patient with positive tuberculin skin test is to. Option A, cause less irritation to the gastrointestinal tract. B. Destroy resistant organisms and promote proper blood level of the drugs. C. Gain a more rapid systemic effect. And D. Delay resistance and increase the static effect. So, the answer is D. Delay resistance and increase the static effect. Next question: hai, dosto, uh, Mira undergoes a left th th thoracotomy and a partial pneumotectomy chest tube are inserted and one bottle sealed drainage is instituted in the operating room in the post-anesthesia care unit mira is placed in Fowler's position on either her right side or on her back too option a reduce incisional pain b facilitate ventilation of the left lung c equalize pressure in the स्पेस एंड डी इंक्रीज वेनस रिटर्न दोस्तों इसका सही आंसर है बी फैसिलिटेट वेंटिलेशन ऑफ द लेफ्ट लंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ क्लाइंट विद सी ओ पी डी इज बींग प्रिपेयर फॉर डिस्चार्ज द फॉलोइंग आर रेवलेंट इंस्ट्रक्शन टू द क्लाइंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ एन ओरल इनहेलर एक्सेप्ट दोस्तों अगर एक सी ओ पी डी का यानी कि क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पर्मांट डिसीज का पेशेंट अगर डिस्चार्ज होता है तो कौन से इंस्ट्रक्शन हम उस पेशेंट को देंगे ओरल इनेरल ओरल और, ओरल इनेरल को लेकर एक को छोड़कर ए ब्रीथ इन एंड आउट एज फुली एज पॉसिबल बिफोर प्लेसिंग द माउथ पीस इनसाइड द माउथ बी इनहेल स्लोली थ्रू द माउथ एज कैनिस्टर इज प्रेस्ड डाउन सी होल्ड हिज ब्रेड फॉर टेन सेकेंड बिफोर एक्जेलिंग एंड डी स्लोली ब्रेड आउट थ्रू द माउथ विथ फर्स्ट लिप्ट आफ्टर इनहेलिंग द ड्रग दोस्तों इसमें जो ऑप्शन है डी स्लोली ब्रेथ आउट थ्रू द माउथ विथ फर्स्ट लिप्स आफ्टर इनहेलिंग द ड्रग ये है राइट आंसर जो हमें इंस्ट्रक्शन में नहीं देना है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर अ ब्रोनकोस्कोपी वैन टीचिंग द क्लाइंट वॉट टू एक्सपेक्ट आफ्टर वर्स द नर्स हाइस्ट प्रियोरिटी टू इंफॉर्म वुड बी A. Food and fluids will be withheld for at least two hours. B. Warm saline gargles will be done. C. Coughing and deep breathing exercises will be done. Uh, D. Only ice chips and cold liquid will be allowed initially. Our answer is A. Foods and fluids will be withheld for at least two hours. दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स एंटर टू द रूम ऑफ अ क्लाइंट विद क्रॉनिक पल्मोनरी डिसीज यानी कि सीओपीडी द पी नेजल द ऑक्सीजन इज रनिंग एट द रेट ऑफ सिक्स लीटर पर मिनट द स्किन कलर इज पिंक एंड द रेस्पिरेशन आर नाइन पर मिनट एंड शैलो वॉट इज द नर्स बेस्ट इनिशियल एक्शन दोस्तों ऑप्शन है ए टेक हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर बी कॉल द फिजिशियन सी लोअर द ऑक्सीजन रेट एंड डी पोजिशन द क्लाइंट इन पोजिशन दोस्तों आंसर है सी लोअर द ऑक्सीजन रेट दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स इज प्रिपेयरिंग हर प्लान प्लान ऑफ केयर फॉर हर पेशेंट डायग्नोस विद न्यूमोनिया विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर दिस पेशेंट दोस्तों ऑप्शन ए फ्लूड वॉल्यूम डेफिसिट

एल वन एल टू तो ऑप्शन बी एल थ्री एल फोर पे स्पाइनल एनिथीशिया दिया जाता है दोस्तों दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे अब क्लाइंट हु इज सस्पेक्टिव ऑफ हैविंग इकोक्रोमिक टोमा कंप्लेन्स ऑफ स्वेटिंग पालपटेशन एंड हेड एक विच एसेमेंट इज एसेंशियल फॉर द नर्स टू पे विच एसेंशियल फॉर द नर्स टू मेक फर्स्ट दोस्तों ऑप्शन है प्यूपल रिएक्शन बी हैंड ग्रिप्स सी ब्लड प्रेशर एंड डी ब्लड ग्लूकोज ऑप्शन सी इज राइट आंसर ब्लड प्रेशर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो so, का का है वो उसका आगे का क्या है ए बी एसिड एंड डी मेडिएटर ऑफ पेन सिग्नल तो दोस्तों डी मेडिएटर ऑफ पेन सिग्नल इज राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों why do i need to take propranolol based on the nurse's understanding of the medication the best response would be dosto uh, isme nurse nurse jo hai patient jo hai nurse se puch raha hai ki uh, mujhe propranolol kyu lena chahiye तो nurse जो आ, medication के बारे में बताती है तो उसका response क्या होगा इसके बारे में हमें बताना है A medication will limit thyroid हार्मोन secretion.

the patient to observe for sign of surgically induced hypothyroidism the nurse would know that the patient understands the teaching when she stayed, she would notify the doctor if she develops dosto uh, my option A intolerance to heat dry skin and fatigue progressive weight gain and d insomnia and excitability dosto option c progressive weight gain next question what is the best reason for the nurse in instructing the patient to rotate injection site for insulin option a lipo can result and is extremely painful b poor rotation technique can cause superficial hemorrhaging c lipo uh, lipodystrophic areas can result causing erratic insulin absorption rate from these d injection site can never be reused so those two, option c is the right answer so, so, next question which of the following would be inappropriate to include in a diabetic teaching plan a change position hourly to increase to increase circulation b inspect feet and legs daily for any changes c keep legs elevated on two pillows while sleeping d keep the insulin not in use in the uh, refrigerator दोस्तों ऑप्शन सी की प्लैग एलिवेटेड ऑन टू पिलोज वाइल्ड स्लीपिंग दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्रंटल सेक्शन डिवाइड्स द बॉडी इन टू आ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट्स बी राइट एंड लेफ्ट पार्ट सी मिड सजिटल एंड मेडियन सेक्शन एंड डी सुपीरियर एंड इंफीरियर पार्ट्स दोस्तों राइट आंसर है इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इंक्लूडेड इन द प्लान ऑफ केयर फॉर द इमीडिएट Post, uh, post gastroscopy period will be a maintaining ngt to intermittent suction b ss gag reflex prior to administration of fluids c access for pain and med medicate as ordered and d major abdominal girth every 4 hours so op uh, option b is the right answer ss gag reflex prior to administration of fluids do so next question hai, Which description of pain would be most characteristics of duodenal ulcer? Those so option options: dull, aching, hunger-like pain in the epigastric area that is revealed by food intake, B. Right upper quadrant pain, the increase after meal, sharp pain in the epigastric area that radiates to right shoulder, D. A. Uh, sensation of painful pressure in the mid midsternal area. Option A is the right answer, friends. Uh, next question. telling those दोस्तों, post Post-operative patient NGT is thick and the volume of secretion has dramatically reduced in the last 20, uh, last two hours and the clients feel like vomiting. The most appropriate nursing action is to A. Deposition the uh, NG tube. Reposition the NG tube by advancing it gently and then suctioning Notify the physician about your findings Irrigate the NG tube with 50 cc of sterile Discontinue the low intermittent suction two option B is the right answer Notify the physician about your findings Next question is After bilroth surgery the client developed dumping syndrome which the following should be the nurse exclude in the plan of care those two option a sit upright for at least 30 minutes after meals b take only sips of s2 between bites of solid food c eat small meals every 2-3 hours and d reduce the amount of simple carbohydrate in the diet those option a is the right answer sit upright for at least 30 minutes after meals so, so next question is the laboratory of a male patient with peptic ulcer revealed an elevated titer of helicobacter pylori which if the following statement indicates an understanding of this data those so, so option and treatment will include rantidine and antibiotics uh, no treatment is uh, necessary at this time this result indicates gastric cancer caused by organism and D. Surgical treatment is necessary. Option A is the right answer. Treatment will include rantidine and antibiotics. Dosto, next question is: Cause of nephrogenic diabetes in septus is idiopathic, post-head injury, genetic, and histocytosis X. So option C is a right answer: genetic. Factors decreasing gastric motility are all except distension, fear, stress, vagotomy. Option A, distension, is the right answer. Which of the drugs of choice for pain control the patient with acute pancreatitis? Option A, morphine. B, NSAIDs. C, meperidine, and D, codeine. Option C. Mepiridine is the right answer. Dosto, next question is immediately after colectomy the nursing action that should assume the highest priority is option A encouraging the client to take educate deep breath by mouth encouraging the client to cough and deep breath changing the dressing at least BID Dosto, uh, D is that. T tube frequently. So option B, encouraging the client to cough and deep breath. Next question, friends. Uh, thanks taken. Black Blackmore tube is inserted in the effort to stop the bleeding esophageal varices in a patient with complicated liver cirrhosis. Upon insertion of the tube, the client complains of difficulty of breathing. The first action of the nurse is deflate the esophageal balloon monitor vs uh, monitor vs any vital signs encourage him to take deep breaths and notify the md also option a deflate the esophageal balloon. next question is the client present with several rectal bleeding 16 radial stool as a day severe abdominal pain tannimus and dehydration because of these symptoms the nurse should be alert for the other problem associated with what disease option a crohn's disease ulcerative colitis the diverticulitis peritonitis option b is the right answer ulcerative colitis a client is being evaluated for cancer of the colon in preparing the client for barium enema the nurse should a give laxative the night before and a cleansing enema in the morning before the test b render an oil retention enema and give laxative the night before instruct the client to swallow six radio tablets the evening before the study d place the client on cbr a day before the study option a is the right answer next question is fetal hb fetal hb is a higher affinity for oxygen true or false the option a is true those Next question is day after abdominal surgery the client's wound dehiscence, the safest nurse, uh, the safest nursing intervention when the occurs is to cover the wound with sterile moist saline dressing approximate the wound edges with tapes, irrigate the wound with the sterile saline sterile, uh, sterile saline. Hold the abdominal contents in place with a sterile gloved hand. Option A is the right answer. Cover the wound with a sterile, moist line dressing. So, next question or last question is: the patient is diagnosed to, the, uh, diagnosed to have renal calculi and characterized by a characterized by small stone. To increase the chance of the stone passing in the urine, the nurse would instruct the client to force fluid at two. तो दोस्तों ऑप्शन है स्ट्रेन ऑल यूरिन बी एम्बुलेट सी रिमेन ऑन बेड रेस्ट एंड डी आस्क फॉर मेडिकेशन टू हिम ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों एम्बुलेट ठीक है दोस्तों एम्बुलेट इज द राइट आंसर तो दोस्तों ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज ऑफ मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे और आपके काम आएंगे दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों धन्यवाद